हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मेल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दो तीन टॉपिक को पढ़ लिया है। अभी रिसेंटली पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये भी देखा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है। हमने उसमें अच्छे तरीके से जाना था कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, और यह भी जाना था कि क्या होता है चमकदार सतह या पॉलिश सरफेस से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। और हमने उसमें यह भी जाना था कि कौन सी वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन करती हैं। तो आपको हमने बताया था कि क्या अपारदर्शी वस्तुएं, यानी ओपेक मीडियम, जो प्रकाश को आर पार जाने नहीं देती हैं, वो वस्तुएं क्या बनाती हैं, वो क्या करती हैं, प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, और इसी वजह से वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। तो इस चैप्टर के अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, तो आज हम भी आईने के टुकड़े करने वाले हैं। गाना तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे इस गाने का सेंस ये है कि हम आज आईने के 100 टुकड़े करने वाले हैं, यानी कुछ टुकड़े करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टुकड़े निकलते हैं, अर्थात दर्पण। आईना का मतलब क्या है? दर्पण। हम आम भाषा में आईना बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली या शुद्ध रूप से उसको दर्पण बोलते हैं, इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। तो आज हम मिरर को पढ़ने वाले हैं और टुकड़े करेंगे उसके, देखेंगे कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनसे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और हमारी इमेज कैसे बनती है। आप रोज सुबह आईने के सामने खड़े होते हो, वो क्या है? दर्पण है। और ये भी जानेंगे कि वो कौन सा दर्पण है। आप रोज या दिन में कई बार खड़े होते होगे, जब भी बाहर निकलते होगे, अपना अपना शौक होता है अपने आप को संवारने का। तो क्या है वो? जिस शीशे या जिस आईने में, या यूं कह लें कि जिस दर्पण में आप अपना रोज प्रतिबिंब देखते हो, बाल संवारते हो, वो क्या है? वो एक तरह का दर्पण है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस दर्पण में आपका इमेज कैसे बन रहा है? और भी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। आप कई बार ऐसे जगह पे जाते होंगे जहां पे क्या होता होगा, कभी आप उस मिरर में देखते होंगे तो आपका चेहरा आपके चेहरे सामान्य चेहरे से बड़ा दिखाई देता होगा, और कई बार ऐसा होता होगा कि आपका चेहरा आपके सामान्य चेहरे से छोटा दिखाई देता होगा। तो वो भी क्या है? वो भी एक तरह का दर्पण ही है। तो वही टुकड़े करेंगे और जानेंगे कि कौन सा दर्पण का क्या नाम है और किस तरीके से वो हमारी इमेज को छोटा बड़ा या हमारे सेम साइज का दिखाता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि दर्पण क्या होता है, और ये भी जानेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब को कैसे दिखाता है, यानी प्रकाश का परावर्तन करता है ना, तो क्यों कर पाता है? क्योंकि दर्पण क्या होता है, लगभग 99% यानी 99% यूं कह लें 100% प्रकाश का परावर्तन कर देता है। इस वजह से वो इतना चिकना सतह होता है कि हमारी इमेज उसमें दिखाई देने लगती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि और भी तो वस्तुएं हैं जो प्रकाश का परावर्तन करती हैं, जैसे बुक, ठीक है, बुक कह लें, टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा, ये सारी चीजें क्या है? प्रकाश के परावर्तन के ही वजह से हमको दिखाई दे रही हैं। तो ये भी प्रकाश का परावर्तन कर रही हैं, तो हमारा चेहरा इनमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो हमने ये भी बताया था कि प्रकाश का परावर्तन इन वस्तुओं द्वारा क्या होता है, सही तरीके से नहीं होता, 100% प्रकाश का परावर्तन नहीं कर पाती है। इनका सतह क्या होता है? खुरदुरा होता है। जो सतह चिकना होगा प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज्यादा करेगा। तो आपका जो दर्पण होता है, अर्थात आईना होता है, वो क्या करता है? प्रकाश का 100% रिफ्लेक्शन कह लीजिए करता है। आपने बचपन में या अब भी वो शीशे को लेके ऐसे सूर्य की रोशनी में हम लोग ऐसे करते थे आंखों के, वो बेचारा देख नहीं पाता था, ऐसे लेके बनाते थे, रिफ्लेक्शन करते थे, तो देखते थे ना प्रकाश का। अब बुक लेके करिए ऐसे सूर्य की रोशनी में, ऐसे करिए, तो क्या दीवार पे वो बनता था उतना कटक या उतना चमकीला? नहीं बनता था ना। तो क्या है? वो आईना इसलिए कर रहा है, उतना तेज रोशनी लेके जा रहा है रिफ्लेक्ट करके, क्योंकि वो प्रकाश का अच्छे तरीके से परावर्तन करता है। और उसी रोशनी में आप बुक करते हो तो घुमाइए देखिए कुछ नहीं दिखता, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन तो कर वो भी रहा है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर पा रहा है कि वो चमकीला दिखाई दे।
तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए आप जानते हैं कि मिरर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं दर्पण। जैसा कि इसका परिभाषा को देख रहे हैं, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह माध्यम दर्पण कहलाता है। शायद परिभाषा से आपको नहीं समझ में आया हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिगर से और प्रैक्टिकल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, हमने पढ़ा था पारदर्शी माध्यम, यहाँ लिखा है ना किसी चिकने पारदर्शी माध्यम। कांच क्या होता है, चिकना होता है ना, लेकिन क्या है वो एक पारदर्शी माध्यम होता है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि उसके एक तरफ हम कुछ ऐसा लेयर लगा दें जिससे क्या हो, प्रकाश उसके आर पार न जा पाए, क्या है पारदर्शी माध्यम को हम क्या बना दें, अपारदर्शी बना दें। कांच है, कांच की एक तरफ कुछ ऐसा लेयर लगा दें जिससे वो क्या बन जाए, अपारदर्शी माध्यम बन जाए। तो वो लेप लगाने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि दो उस तल का क्या होगा, दो पृष्ठ होगा ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका कांच है, ठीक है, तो क्या करें, इसका एक पृष्ठ ये है, इसका एक पृष्ठ ये है। अगर ये पारदर्शी रहेगा तो प्रकाश आएगा ऐसे और आर पार चला जाएगा, परावर्तन नहीं होगा। तो क्या करें, इसके इस तल को हम परावर्तक बना देते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो कैसे बनाएंगे, जब एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड, इसको समझते हैं कलई या लाल ऑक्साइड क्या होता है। कलई का मतलब होता है कोटिंग कर देना, कोटिंग कर देना का मतलब क्या है, सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है। सिल्वर आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, सिल्वर या एल्यूमिनियम होते, एल्यूमिनियम का भी कोटिंग आ रहा है, अब कुछ नहीं उससे ज्यादा आ रहा है आपका लाल ऑक्साइड। लाल ऑक्साइड भी आप जानते होंगे आपके घरों में यूज होता होगा, कहां भी यूज होता है, जब आप अपने घर के गेट रेलिंग या चैनल को पेंट करने जाते हैं तो उससे पहले आप एक प्राइमर मारते हैं जो लगभग लाल कलर के जैसा होता है, वही प्राइमर क्या होता है, रेड ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो आप क्या करता है, वो लोहे को संक्षारित होने से बचाता है, जंग लगने से बचाता है, जिससे आप क्या प्राइमर मारने के बाद पेंट चढ़ाने पर पेंट लंबे समय तक चलता है। तो उसको छोड़िए, वो क्या होता है, जो प्राइमर होता है वही लाल ऑक्साइड होता है। और आप अक्सर छोटे आईने को चेहरा देखते टाइम, एक छोटा शीशा आप यूज करते होंगे, उसके पीछे भी देखते होंगे कि एक लेयर लगा होता है, ठीक है, इधर तो सामने से एकदम चमकीला सतह दिखता है, लेकिन पीछे कभी करके देखिएगा तो उसपे एक लाल टाइप का लेयर चढ़ा होता है, वही होता है लाल ऑक्साइड। और देखिए क्या है, वो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम का ही बना होता है। कभी कभी वो पीछे जो आईने के पीछे का लाल ऑक्साइड होता है, कभी वो आप खुरच दीजिए उसको, या ज्यादा पुराना हो जाता है तो अपने आप पीछे से छूट के निकलने लगता है, तब आपका चेहरा देखना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जहां छूट गया होता है उधर से प्रकाश चली जाती है, उधर देखेंगे तो उसमें आपका उतने दूर चेहरा ही नहीं दिखाई देगा, और जहां पीछे कलई बची रहती है उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे कलई या लाल ऑक्साइड का लेयर क्यों चढ़ाते हैं, एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके, लेप कर देंगे तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तन परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। जैसे देखिए हमने दो पृष्ठ हैं इसके, तो इस पृष्ठ में मैं इसका लेप चढ़ा देता हूं, कलई किया हुआ या लाल ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ पृष्ठ को हम ऐसे दिखाते हैं दर्पण में। इसका मतलब ये होता है कि इसी साइड क्या किया गया है, कोटिंग चढ़ाई गई है लाल ऑक्साइड की। अब देखिए, पहले क्या था, पारदर्शी माध्यम था, ये आपका एक समतल दर्पण है, आपका चेहरा देखने वाला जो आईना होता है ऐसे ही होता है। अभी हम आगे जानेंगे कि समतल दर्पण कैसे और भी जो दर्पण है। तो क्या है, देखिए ये पारदर्शी माध्यम था, लेकिन अब एक साइड हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया या लाल ऑक्साइड चढ़ा दिया, ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब प्रकाश आएगी तो अब आर पार नहीं जा पाएगी। अब क्या होगा, अब ये जो इधर वाला पृष्ठ है, ये इधर वाला जो पृष्ठ है, ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया, और ये पृष्ठ क्या हो गया, कलई किया हुआ पृष्ठ, ठीक है। तो अब प्रकाश आएगी तो क्या होगा, अब उधर नहीं जाएगी, प्रकाश आएगी और क्या होगा, टकरा के जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में चली आई।
तो अब प्रकाश का परावर्तन होने लगा ना। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे पारदर्शी माध्यम परावर्तन करने लगा। तो देखिए, हमने इसमें पढ़ा था कि इस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो आ रही है आपतित किरण, टकरा के जा रही है तो परावर्तित किरण। और हमने आपको बताया था कि हम इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, इसके इसके द्वारा बनाए गए एंगल को समझने के लिए क्या करते थे, तल के लंबवत, ये तल है इसके लंबवत क्या खींचते थे, अभिलंब। ठीक है, अब ये क्या हो जाता था आपका, आपतित किरण है, आ रही है, आ रही है तो ये कौन सा कोण बनाती थी, आई। ठीक है, और ये जा रही है, इसका नाम क्या था, परावर्तित किरण। तो ये क्या था, आर, यानी इंसिडेंट रे के द्वारा आई कोण और रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा आर कोण। और ये हमने पढ़ा था कि जहां भी प्रकाश का परावर्तन होगा ये दोनों कोण बराबर होंगे। और दूसरा नियम क्या था, आपतित किरण और विलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मिरर क्या है, मिरर क्या है, मिरर एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पे कलई चढ़ा देने पे या लाल ऑक्साइड का कोटिंग या लेयर चढ़ा देने पे दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। और इस माध्यम से क्या होने लगता है, प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है और ये भी देखते हैं कि इसमें इमेज कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं दर्पण कितने प्रकार का है। दर्पण मेनली दो प्रकार के होते हैं, देखिए पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि इसको बनावट के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें देखिए समतल दर्पण, यानी इसमें क्या है, समतल यानी परावर्तक पृष्ठ जो होगा इसका, जिसपे प्रकाश आएगी, टकराएगी और टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद वापस जाएगी, वो कैसा पृष्ठ होगा, समतल होगा। तो देखिए ये इधर का पृष्ठ, इधर तो कलई किया हुआ है, इधर का जो पृष्ठ है क्या है, समतल है ना। तो इसी दर्पण को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और इसी दर्पण का उपयोग हम करते हैं अपने आप को देखने के लिए रोज। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि समतल दर्पण क्या होता है। और इसको समझने की कोशिश करें, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गोलीय दर्पण का मतलब क्या होगा, गोल, गेंद के जैसा गोल। यहां देखिएगा गोलीय और वृत्तीय में अंतर होता है, ऐसा मत समझिएगा कि वो वृत्त है, वो जो ऐसा बनाने से लग रहा है कि ये वृत्त है, चूड़ी टाइप वाला ये वृत्त नहीं है। ठीक है, ये 3D फिगर है आपका, वृत्त जो होता है वो आपका 2D फिगर होता है। 3D का मतलब गेंद फुटबॉल के जैसा, छोटे गेंद के जैसा। तो ये कौन सा दर्पण है, गोलीय है। तो देखिएगा ये ऐसा गोला है जो क्या है, खोखला है, भरा हुआ गोला नहीं है, बस ये पतली सी लेयर है जो पहले प्लास्टिक की गेंद आती थी जिसके अंदर क्या होता था, खोखला पूरा दबाने से वो पिचक जाता था। तो ऐसा ही है ये गोलीय दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण भी दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण को देखिए किस तरीके से, जब हम इसको काटेंगे कहीं से भी किसी तरीके से काट लीजिए, ऐसे हम काट दें तो ये जो हिस्सा मेरा निकलेगा इधर से, ये क्या होगा, इस तरीके का होगा। ये देखने से लग रहा है कि एक चंद्रमा के जैसा लाइन है, लेकिन ये कैसा है, इस तरीके का है। आप इसको सामने से करके देखोगे तो ऐसे दिखेगा, गेंद को आप काटो तो गड्ढा नुमा दिखेगा ना। तो क्या है ये, अब ये गोलीय दर्पण का एक प्रकार बनेगा। अगर हम ऐसे काट दें तो ये क्या हुआ हिस्सा, अब क्या करें, अभी तक तो क्या था, ये केवल कांच था, अभी मैंने किसी साइड कलई नहीं किया है, केवल फिगर के आधार पर देखिए क्या है, ये किसी गोले का टुकड़ा बन रहा है ना, इसी वजह से इसको नाम क्या है, गोलीय दर्पण। अब देखिए, अब गोलीय दर्पण कलई करने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए, अगर कलई हम इस साइड करेंगे तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, आकार चेंज हो जाएगा। अगर दूसरे साइड करते हैं तो परावर्तक पृष्ठ का आकार चेंज हो जाता है। और इसमें आप नाम किस आधार पर रखते हैं, परावर्तक पृष्ठ के अनुरूप, मतलब परावर्तक पृष्ठ कैसा है, देखिए इसमें समतल था तो समतल दर्पण। इसमें परावर्तक पृष्ठ दो तरीके का बन सकता है, एक उभरा हुआ पृष्ठ को परावर्तक बना लीजिए, नीचे वाले पृष्ठ को पेंट करके, जैसे देखिए हमने इधर कलई कर दिया इसमें,
इसमें से इस टुकड़े को काटा और क्या कर दिया, इधर हमने क्या कर दिया, कलाई कर दिया, और इसके उठे हुए भाग को, उभरे हुए भाग को क्या बना दिया, परावर्तक पृष्ठ। ये मेरा क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ, और ये कलाई पृष्ठ। और ये क्या हो सकता है, इसमें दबे हुए भाग पे कलाई किए थे, आप इसमें क्या करिए, उभरे हुए भाग पे कलाई कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, इधर का हो गया परावर्तक पृष्ठ, और इधर क्या हो गया, सॉरी ये हो गया आपका कलाई पृष्ठ, और ये क्या हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। तो अब देखिए इसमें परावर्तक पृष्ठ दो तरीके का हो गया ना, एक उभरा हुआ और एक दबा हुआ। तो ये क्या है, तल है ना, तो इसके आधार पे इसका नाम क्या पड़ा, गोली दर्पण दो तरीके का हो गया। क्या हो गया, एक इसमें उठा हुआ भाग है ना उत्तल, उत्तल का नाम लग रहा है कि उठा हुआ, यानी ऐसा तल जो उभरा हुआ है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इसका नाम क्या रख दिया गया, दबा हुआ भाग है ना अवतल, अवनमन। क्या करते हैं, जब किसी को झुक के नमन करते हैं तो क्या बोलते हैं, अवनमन। तो ऐसे क्या है, ये दबा हुआ तल है, तो क्या हो जाएगा, अवतल, अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इसमें देखिएगा इंग्लिश में कभी नाम आ जाता है तो समझने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्या है, कैविटी टाइप का दिख रहा है ना, ऐसे गड्ढा नुमा, जब दांत में आपके कैविटी बन जाती है या कोई भी गड्ढे नुमा संरचना, तो उसको क्या बोलते हैं, कैविटी। तो यहाँ केव से समझिएगा, कॉनकेव का मतलब कैविटी, यानी दबा हुआ। कैविटी जिसमें बना है वही वाला मिरर है कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि गोली दर्पण क्या होता है, दो तरह का होता है। ये कैसे बना होता है, किसी ऐसे गेंद को काटिए जो कांच का खोखला गोला हो, कांच का बना हो, उसको काटेंगे, कहीं से भी काट लीजिए, जितना काटना हो, चाहे आधा करके काट लीजिए, चाहे जिस हिसाब से काटेंगे उसका देखेंगे कि कैसे इमेज बनेगा अगले टॉपिक में। तो क्या है, किसी गोले से कटा हुआ भाग है और उसके कलाई करने के हिसाब से दो भाग में है, तो क्या है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण उत्तल अवतल। फिगर से आप समझ गया कि कैसे हम फिगर देख के बताएंगे कि कौन सा दर्पण है। अब हम जानेंगे, इसमें तो आप देखते होंगे कि इमेज साधारण तरीके से बन जाता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इमेज की अवस्था बदलती रहती है। जैसे आप इसके सामने खड़े होंगे, जितनी दूरी पे खड़े होंगे इमेज उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसको समझ ही गए हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इमेज इसमें कैसा बनता है, किस तरीके का बनता है, क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। तो ये भी जानेंगे, पहले हम जानते हैं कि समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो समतल दर्पण देखते हैं। अभी हमने समझा कि समतल दर्पण क्या होता है, जिसका एक पृष्ठ क्या हो, जिसका मतलब परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। देखिए ये कौन सा पृष्ठ है, ये रहा आपका परावर्तक पृष्ठ, और ये कौन सा पृष्ठ है, इधर कलाई किया हुआ है ना लाल अक्षर या सिल्वर का, कलाई पृष्ठ। तो देखिए परावर्तक पृष्ठ, आप ये बताइए कि इस दर्पण के सामने आप किधर खड़े हो कि आपका परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बने, इधर खड़े होने से बनेगा क्या, जिधर पेंट किया हुआ है उधर आप उधर से देखोगे तो बनेगा आपका इमेज, इधर से देखोगे तो बनेगा। आप खुद सोचिए कि जिस आईने में आप चेहरा देखते हैं उसके पीछे खड़े होंगे तो दिखेगा, यानी उस तरफ देखेंगे जिधर क्या होगा, चिकना सतह होगा। तो यानी हम किधर खड़ा होना पड़ेगा हमको, इधर, यानी वस्त्र किधर रखनी पड़ेगी, इधर। तो मान लीजिए यहाँ कोई वस्त्र रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब इस आईने में या इस दर्पण में, समतल दर्पण में कैसे बनता है। तो देखिएगा
दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम है, तो वो नियम हम जब अवतल या उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, क्योंकि समतल दर्पण के बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ पे, इसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में, जब आप पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स उसमें आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पे हम बस कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक है, प्रकाश की किरणें जाएंगी तो प्रकाश की किरणों को कैसे भी जा सकती है ना वो, तो प्रकाश मान लीजिए इधर से आप कोई टॉर्च जला दिए या ये वस्तु उजाले में ही रखी है तो क्या होगा, प्रकाश किरणें देखिए कैसे जाएंगी ऐसे, ठीक है, और ऐसे जाने के बाद क्या होगा, बोले थे कि परावर्तन का नियम हर जगह फॉलो होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, हर जगह आप परावर्तन का नियम बनाते रहोगे तो समय वेस्ट होगा, तो आप क्या होगा आएगी और टकरा के परावर्तन हो रहा है ना तो इसी माध्यम में चली जाएगी। अब यहाँ पे किस आधार पे जाएगी वो नियम है कि यहाँ पे आपतन कोण यहाँ अभिलंब खींचेंगे वो सब अलग है, यहाँ पे अभी हमको फिलहाल में क्या देखना है कि इमेज ऐसे रखी हुई है आईने के सामने तो इसका इमेज कैसे बनेगा। और आप अक्सर देखिए कि आप दर्पण के सामने जितनी दूरी पे खड़े होते हो उतनी ही दूरी के अंदर बनता है इमेज, आप एकदम नजदीक चले जाओगे तो जो अंदर प्रतिबिंब बन रहा होगा वो भी उतनी ही दूरी पे बनता है, तो देखिए दर्पण से इतनी दूरी पे है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा इसका, इतनी ही दूरी पे डॉट डॉट खींचने का भी एक कॉन्सेप्ट है कि मैं ये डॉट डॉट क्यों खींच रहा हूं, ठीक है, और एक किरण लेके जाते हैं, ये किरण गई ये भी टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, जाके यहां से बहुत सारी किरणें होंगी एकदम बहुत सा, लेकिन हमको बस यहाँ पे समझना है, हमको इमेज बनाना है, वो तो पूरा पूरे बॉडी से प्रकाश की किरणें जा रही होंगी लेकिन हमको इमेज बनाना है, फिजिक्स में उस चीज को समझना है, तो फिजिक्स ने कुछ नियम बना रखे हैं, उस आधार पर हम उस चीज को समझ जाएंगे तो हमारा सारा समझ क्लियर हो जाएगा। तब देखिए तो ये प्रकाश की किरण गई परावर्तित होने के बाद चली गई, लेकिन क्या होगा ये आपकी भी कहां से प्रतीत होगी, अब देखिए ये किरणें जहां मिलती हैं वहीं पे बनता है इसका प्रतिबिंब, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने रफली ड्रा किया है, ये इसी के बराबर बनेगा इमेज यहाँ पे, ठीक है, और इसी के जस्ट सामने और ना छोटा ना बड़ा, देख लीजिएगा थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ये पूरा यहां बनेगा, इसको हम पीछे करके लाएंगे तो ये यहां मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसको आप क्या है बिल्कुल ज्योमेट्रिक तरीके से ड्रा करके भी देख सकते हैं। आप क्या करिए कोई सरल रेखा खींच लीजिए स्केल के माध्यम से, उसमें प्रकाश का परावर्तन करवाइए और कोण किसी भी कोण पे करवाइए, उतने पे क्या करिए आपतन कोण बनाइए परावर्तन कोण बनाइए, उसके अभिलंब खींच लीजिए ताकि आपको कोण नापने में आसानी हो, उसके बाद उसको पीछे करके लाइए तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये बनेगा और इतना ही बड़ा बनेगा। तो क्या होता है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन ऐसे ही बनता है, मान लीजिए इसका नाम ए बी है तो इसका भी हम नाम दे देते हैं ए डैश डी डैश, क्या है ये वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, ये क्या बन गया इसका प्रतिबिंब बन गया। तो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या कि ये प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक और आभासी का क्या सेंस है कि देखिए जब परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में मिलती हैं, अगर ये किरणें आगे चल के मिलती कहीं तो मिलेंगी नहीं, ये तो समांतर चली जाएंगी, पीछे करने पे ये क्या हो रही है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, शीशे के अंदर जो बन रहा है इमेज क्या वो वास्तविक लगता है आपको, दिख तो रहा है वास्तविक लेकिन उसको पर्दे पे नहीं ले सकते आप कहीं, जिस इमेज को आप पर्दे पे ले सकते हो, अगर हम यहाँ पे पर्दा लगा दें तो वो क्या वो पर्दा लगा ही नहीं पाएंगे आप शीशे के अंदर, अगर इधर आप कहीं पर्दा लगाते ऐसे और टकराने के बाद आके वहां वास्तव में इमेज बनता है इस वस्तु का तो उसको बोलते वास्तविक इमेज, मतलब
वास्तविक प्रतिबिंब, इमेज का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब, यहाँ पे क्या है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस वजह से क्या बन रहा है आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की परिभाषा हम आगे देखेंगे और समझेंगे भी, लेकिन यहाँ समतल दर्पण दर्पण की क्लासिफिकेशन आ जाने की वजह से यहाँ पे हमको समझना पड़ रहा है। तो क्या है ये कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से ये प्रतिबिंब कैसा आभासी प्रतिबिंब है। तो इसमें हम समझते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका गुण क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो वस्तु की लंबाई होती है उसी के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आभासी है ना, ये वास्तविक नहीं है, इसको पर्दे पर आप नहीं ले सकते। हम आगे धीरे धीरे समझ जाएंगे कि पर्दे पर लेने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, ये वास्तविक मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब क्या होता है। यहाँ पे बस समझने का प्रयास करते हैं क्या है इसमें, जो पहले लिख सकते हैं वस्तु के बराबर सीधा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है ना, अगर ये नीचे बनता ऐसे ऐसे बन जाता ए डैश बी डैश, तो कहीं ये मिलती हुई नीचे प्रतीत होती तो उल्टा प्रतिबिंब दिखता, आप सामने खड़े होते तो नीचे उल्टा आप दिखते। कई बार होता है दूसरे मिरर में, वो भी समझेंगे कि कहाँ होता है अगले आप जब अगले दर्पण में पढ़ेंगे तो, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका सीधा, चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े रहिए आप हमेशा अपने आप को सीधा पाएंगे। तो इसमें गुण देखते हैं, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दूसरा गुण क्या कह सकते हैं, दूसरा देखते हैं दूसरा गुण इसमें कि दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होती है उतनी दूरी प्रतिबिंब की होती है, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दूसरा गुण होता है इसमें। तीसरा गुण इसका हम समझ लेते हैं, इसकी फोकस दूरी जो होती है, हम बात करेंगे धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इसकी फोकस दूरी क्या होती है अनंत होती है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है अनंत होती है। और अगला गुण देखते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है अनंत होता है, और इसकी क्षमता पावर भी क्या होता है इसका क्षमता जीरो होता है। क्षमता मतलब ये वस्तु के प्रतिबिंब को ना बढ़ाता है ना घटाता है उतने पे ही दिखाता है, तो क्या हो जाएगा पावर जीरो हो जाएगा। तो ये है कुछ इसके गुण कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए हम इसके बाद समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। तो आइए हम पहले भी समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आइए देखते हैं। तो आइए समझते हैं इमेज यानी प्रतिबिंब क्या होता है, देखते हैं। प्रतिबिंब दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, इसमें देखिए कब हम रियल इमेज बोलेंगे, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी मैं सामने खड़ा हूं और मेरे से किरणें गई, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यहां पर देखिएगा वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु पर बने वस्तु के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर मैं फिगर बनाता लेकिन इसको धीरे से हम समझ लेंगे आगे में, लेकिन यहां पर हम समझते हैं आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज क्या है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि क्या था, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों डेफिनेशन में समझिएगा, वास्तव में मिलती है और आभासी में क्या होता है मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर देखिए जहां मिल रही है तो उस बिंदु पर बने वस्तु के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा प्रतिबिंब हो गया आभासी, ये क्या हो रही है
परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वो पीछे कदम मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर यही किरणें आगे चल के मिल जाती, वास्तव में ये टकराने के बाद मिलती तो यहाँ प्रतिबिंब बनता, लेकिन समतल दर्पण में कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम समझेंगे रियल इमेज क्या होता है। यहाँ पे मुझे डेफिनेशन समझाना था कि वास्तव में मिलती है तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब। तो अब समझ गए होंगे कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि इसमें किरणें हमेशा मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए हमेशा इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और जो समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसको समझाने की कोशिश किया जाएगा। और इस चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।